हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 2 के ही फिफ्थ वीडियो में। ये वीडियो अपलोड किया था 16 सितंबर को, एक 16th ऑफ सितंबर को ये वीडियो अपलोड किया था। एक ऑन उस वक्त एक जो रिसेंट एक जो वीकली मोमेंटम दिया था इस स्टॉक ने, डेफिनेटली एक आप देख सकते हो 365 के आसपास एक टारगेट सजेशन दिया था, 360 से 365 का एक टारगेट सजेशन दिया था। इसी जोन में टारगेट सक्सेस मिलेगा, दिस वाज बीन प्रिडिक्टेड एंड एक अच्छा मोमेंटम दिया है। ऑब्वियसली एक 362 का एक हाईएस्ट वैल्यू मिला है, तो एक 60 to 65 का एक जो रेंज था, ऑब्वियसली हमें एक उसमें इसी लेवल के आसपास ही टारगेट अचीवमेंट हमें एक मिला है। ओके, तो ये एक अच्छा मोमेंटम दिया है। द स्टॉक गेव एंड टुक एन एग्जैक्ट, एक आप देख सकते हो कि एक 11 से 12 हफ्ते, मतलब एक यू कैन सी कि एक कंप्लीट एक 3 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक टारगेट सक्सेस या फिर एक टारगेट अचीवमेंट दिया है। ओके, तो एक इतना अच्छा मोमेंटम दिया है द स्टॉक। अभी हम देखने वाले हैं इन डेप्थ की क्या एनालिसिस था उस वक्त और कितना मोमेंट हम एक अचीवमेंट कर पाए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग इन टू एंड साइडवेज। तो एक टेक्निकली हम देखेंगे कि एक साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक मोमेंटम यहाँ पे गेन करने की कोशिश में था एंड एज वी कैन सी हियर कि एक डबल बॉटम जरूर यहाँ पे एक रिसेंटली स्टॉक ने बनाया था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक यही एक डबल बॉटम बनाने के बाद वी आर सजेस्टेड द स्टॉक टू गो टू एन अपर ट्रेंड। एक जो उस वक्त ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी बेस्ड ऑन दिस, यहाँ पे एक सजेशन दिया था कि एक साइडवेज या फिर मोमेंटम रिगेन करेगा स्टॉक और उसके बाद हमें एक अच्छा एक अपर टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द स्टॉक डेफिनेटली टुक अ गुड मोमेंटम, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम लिया। बट आप देख सकते हो ऑन 11th मतलब 13th ऑफ दिसंबर को ही एक 362 का एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया, 361.9, एक राउंड ऑफ हम एक 362 का एक टारगेट हम बता रहे हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट गेन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आपको एक 27 से 28% का एक इन्वेस्टमेंट अचीवमेंट इस स्टॉक ने दिया है। तो इतनी अच्छी रैली इस स्टॉक ने दी है। ऑब्वियसली यू कैन सी लुकआउट हियर कि जब भी हमने एक सजेशन दिया उसी के बाद ही एक मूवमेंट मिल रहा है। तो एक जो टेक्निकल पैरामीटर्स हम एक इंडिकेट करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस, एक जो एक बेसिक एक फॉर्मेट में हम एक बेसिक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक जो सजेशन देते हैं, ऑब्वियसली वी कैन सी कि एक जरूर आप देख सकते हो कि एक 365 के आसपास जरूर एक इसी को ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, बट इसी के आसपास ही ट्रेड करा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन टेक्निकल एनालिसिस और आप देख सकते हो 27 से 28% का एक टारगेट अचीवमेंट या फिर एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी स्टॉक ने दिया है। तो इतनी अच्छी रैली सिर्फ 2 से 3 महीने में ही दी है। ओके, तो ये हो गया एक क्विक ओवरव्यू हमारे टारगेट सक्सेस का। ये जो स्टॉक सजेस्ट किया है मॉडल 2 के फिफ्थ वीडियो में, तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाके चेक करना। एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस 5 स्टॉक्स जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। ऑब्वियसली वी कैन सी कि एक जो आने वाले 2 से 3 महीने हैं, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, एक बहुत अच्छा मोमेंटम होने वाला है। एज वी कैन सी कि एक इलेक्शन का माहौल जरूर बना है, तो एक डेफिनेटली इंडेक्स या फिर एक स्टॉक मार्केट गोज टू एंड साइडवेज, पर एक 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में वी कैन सी अ लॉट ऑफ मोमेंटम इनटू द स्टॉक्स। तो कौन से वो पास स्टॉक्स है एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट बेनिफिट इनटू इट, कितने रिटर्न्स हम अचीव करने वाले हैं, लेट्स वॉच इट आउट एंड लेट्स स्टार्ट विद दोस 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5 जो है ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड। सो गाइस, ये था हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड। एक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक रियल्टी सेक्टर में एक बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन स्टॉक देता है एंड एज वी कैन सी हियर कि एक कंट्रीब्यूट नॉट ओनली अ कंट्रीब्यूशन, अ मोमेंटम आल्सो इज इनटू एन अपर ट्रेंड। आप देख सकते हो एक नॉर्मल वे में ही अप ट्रेंड दे रहा है ये स्टॉक एंड एज वी कैन सी हियर कि एक जो है टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर बना रहा है स्टॉक के। यू कैन सी आफ्टर गिविंग अ कंसेक्यूटिव 4 ग्रीन कैंडल्स, एक रेड कैंडल जो आपको एक अपील होती आ रही है एंड दैट इंडिकेट्स कि एक नॉर्मल वे में ही एक अप ट्रेंड मिल रहा है। एंड एक Why we are indicating this momentum as a good momentum, you know, you can get a slow and steady, आपके पोर्टफोलियो में जरूर एक इंक्रीज हो जाती है वैल्यू, आपके पोर्टफोलियो में बढ़ावत हो जाती है। यू कैन सी एक शार्प रैली यहाँ पे जरूर बनाई एंड एक आप देख सकते हो वी नीड टू वॉच वेरी शार्पली इफ यू वॉन्ट टू यू नो टेक द मोमेंट ऑफ दिस रैली। तो आप देख सकते हो एक रैली यहाँ पे जरूर बनाई बट एक आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक अच्छी रैली देने के बाद फिर से एक 50% डाउनफॉल भी दे दिया। तो एक शार्प रैली जब भी हम एक एज वी एक्सप्लेन ऑलवेज कि शार्प रैली ऑलवेज बेनिफिट्स यू इन द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ट्रेंड हैज अ वेरी गुड हेल्दी मोमेंटम। ओके, तो एक आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन में एक लोअर रिस्क में आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टॉक नाउ। तो एक इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव ट्रेंड के लिए, तो एक 2 टेक्निकल रीजन से हम एक जस्टिफाई करने वाले हैं एंड द रीजन नंबर 1 इज कि एक जो एक अपर ट्रेंड इज यहां पे एक स्टॉक ने दिया, इसके एक 50% डाउनफॉल या फिर एक टेंपरेरी एक सेलिंग प्रेशर जरूर यहां पे बनाया, 50% का डाउनफॉल यहां पे बनाया एंड व्हेनेवर सी कि एक जब भी 50% हमें एक डाउनफॉल मिलता है या फिर एक रिट्रेसमेंट मिलता है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। वहीं से एक बहुत बार टेक्निकली हमने देखा है कि रिवर्सल के चांसेस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दैट देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो एक ऑलरेडी एक यही एक इंडिकेशन है एंड द सेकंड थिंग इज लाइक कि एक जो रिसेंट वीक स्टॉक ने ट्रेड किया, इसके प्रीवियस वीक में आप देख सकते हो 4 से 5% की एक पॉजिटिव
रैली के साथ एक क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, तो एक अच्छी एक बुलिश रैली के साथ या फिर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है ओके, एक पिछले एक फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में ओके। तो इसी हफ्ते में भी आप देख सकते हो कि एक लोअर लेवल से जरूर एक रिकवरी स्टॉक ने ली है, एक जरूर आप देख सकते हो कि इन द फॉर्म ऑफ रेड कैंडल जरूर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, बट ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक लोअर लेवल से बायर्स ने जरूर एक मोमेंटम रिगेन किया है। डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इन साइडवेज, 2 से 3 हफ्ते के लिए जरूर एक स्टॉक एक साइडवेज में चला जाए, बट इट विल गिव अ गुड पॉजिटिव रैली, एक अपर ट्रेंड में ही ये स्टॉक ट्रेड करने वाला है ओके। तो एक स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं 1322 के आसपास, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सजेस्ट अ टारगेट एट द वैल्यू ऑफ 1700, 1700 का एक आपको एक इवन टारगेट या फिर एक राउंड ऑफ टारगेट आपको मिल सकता है। वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ गुड टारगेट इन द अपकमिंग 2 to 3 months एट द वैल्यू ऑफ 1700। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 28 से 29% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 20 to 29% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1322 फॉर द टारगेट ऑफ 1700 ओके। सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जो 1200 का लेवल था, आप देख सकते हो कि इसी लेवल को हमने देखा है कि एक इसी लेवल को रेजिस्ट किया था प्रीवियसली स्टॉक ने ओके, एक रेजिस्ट करके फिर से एक डाउनफॉल में चला गया था, बट एक इसी लेवल को ब्रेकआउट करते यहाँ पे एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छी रैली यहाँ पे दी है। आप जैसे देख सकते हो कि टारगेट जो एक सजेस्ट किया है इसके एक नियर अबाउट 80% के आसपास एक मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक ने दिया है, तो एक अच्छा सपोर्ट जोन है। कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक 1200 विल बी अ गुड सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1700 ओके। सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक स्टील सेक्टर में जरूर आप देख सकते हो कि एक बाइंग मोमेंटम जरूर दिखाई दे रहा है। बिफोर 2023 इटसेल्फ उससे पहले ही आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूअस हाईज एंड लो स्टॉक बना रहा है, बट एक जो हायर वैल्यू स्टॉक बना रहा है इसी को ब्रेकआउट लेकर स्टॉक है इसी के ऊपर ही एक हायर वैल्यू बनाते आ रहा है। यू कैन सी अ वेरी गुड मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन, एक अच्छी पॉजिटिव रैली भी स्टॉक ने दी है। सॉरी एंड एज वी कैन सी हियर कि एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। टेक्निकली हम यहाँ देखने वाले हैं कि एक दो रीजन से वाई वी आर जस्टिफाइंग दिस स्टॉक और वाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड ओके। द रीजन नंबर 1 इज लाइक कि एक जो अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे स्टॉक ने बनाया, एंड एज वी कैन सी हियर कि एक सेकंड वीक ऑफ डिसंबर, एक 11 दिसंबर के एक सेकंड वीक ऑफ डिसंबर के वक्त एक जो 768 का एक जो हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया, यहाँ पे एक हायर वीक जो एक स्टॉक ने बनाया, एक हायर वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया, इसके बाद आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में ही स्टॉक चला गया ओके, एक साइडवेज में ही ट्रेड करा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में जाते वक्त यहाँ पे एक इसी सपोर्ट लेवल के आसपास दो बार एक इस स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके इसी के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश की है। सो दिस इज द नंबर 1 इंडिकेशन, इवन दो द स्टॉक इज इन टू एंड कंसोलिडेशन में जब भी एक ब्रेकआउट मिलता है वी गेट अ गुड शार्प रैली, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉटम लेवल से दो बार सपोर्ट लेने की वजह से आप देख सकते हो कि एक इंडिकेशन है नंबर 1 इंडिकेशन दैट इट इज गोइंग टू गो इनटू एन अपवर्ड ट्रेंड ओके। तो एक ये नंबर 1 इंडिकेशन है। द सेकंड इंडिकेशन व्हिच वी कैन लुक आउट इज द कैंडल फॉर्मेशन व्हिच द स्टॉक हैज गिवन इन दिस वीक ओके। ये जो एक रीसेंट हफ्ते में एक स्टॉक ने कैंडल फॉर्मेशन बनाया, आप देख सकते हो 1% की ही क्लोजिंग है स्टॉक की, बट एक ओवरऑल एक कैंडल फॉर्मेशन एक स्टॉक का देखेंगे तो आप देख सकते हो कि 708 के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया और वहां से एक जो रिवर्सल स्टॉक ने दिया है इट हैज गिवन द क्लोजिंग अबव इट्स ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस वीक ओके। तो एक 761 के आसपास ओपनिंग प्राइस दी थी, उसके बाद एक 708 के आसपास स्टॉक चला गया, नेगेटिव फॉर्म में चला गया, बट उसके बाद आप देख सकते हो 780 का एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया एंड देन इट विल बी गुड क्लोजिंग एट द वैल्यू ऑफ 770 ओके, 770 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो एक ये सेकंड इंडिकेशन है कि एक स्टॉक एक डेफिनेटली ये दो इंडिकेशंस इंडिकेट करते हैं कि एक बुलिश रैली ही हम एक्सपेक्ट करने वाले स्टॉक में। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 769.50, 770 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अ गुड टारगेट एट द वैल्यू ऑफ 1000। अगले 3 महीने में ये स्टॉक एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली में ही ट्रेड करने वाला है एंड वी कैन डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ गुड रैली एट द वैल्यू ऑफ 1000, 1000 का जरूर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट को खोल करते ही इन्वेस्टर्स का 30 to 31% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 30 to 31% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 770 फॉर द टारगेट ऑफ 1000 ओके। सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जो डबल बॉटम यहाँ पे स्टॉक ने बना के एक रिवर्सल जो लिया था वही एक लेवल हम एक सपोर्ट के तौर पर बनाने वाले हैं एंड इट इज एट द वैल्यू ऑफ 686, एक नजदीक लेवल ही है एक जो करंट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है इसी के आसपास ये सपोर्ट जोन है और इसी लेवल से ही रिसेंटली अभी एक रिवर्सल दिया है। तो एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एक 685 टू 686 विल बी अ गुड सपोर्ट जोन और यू कैन से स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1000 ओके। सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस ये हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे एक सिंबॉलिक फॉर्म में बेल भी कहते हैं। द स्टॉक हैज गिवन अ वेरी गुड मोमेंटम, एक आप देख सकते हो इन द ईयर 2023-2024 फ्रॉम ईयर 2020 itself, 2020 से ही एक जो पॉजिटिव रैली स्टॉक ने बनाई है। ऑब्वियसली वी कैन सी कि एक स्टॉक एक हायर लेवल ही बनाते आ रहा है।
एंड ये एक इंडिकेशन है कि अगले 2 से 3 महीने के लिए ये स्टॉक एक जरूर एक हायर टारगेट ही दे सकता है। नाउ दिस इंडिकेशन और या फिर जो एक हम एक प्रिडिक्शन ले रहे हैं वो दो टेक्निकल रीजन हम जस्टिफाई करने वाले हैं उस पॉजिटिव प्रिडिक्शन के लिए। नंबर वन रीजन इज लाइक कि एक पॉजिटिव रैली यहाँ पर एक जो स्टॉक ने बनाई है, एज वी कैन सी हियर कि एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में जरूर स्टॉक चला गया था एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में। डेफिनेटली वी कैन सी हियर कि एक लोअर लेवल से एक जो कंटिन्यूस रैली यहाँ पे स्टॉक ने दी है, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो एक 12 हफ्तों में स्टॉक ने 90% की रैली यहाँ पे दी है। तो वट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कि एक इतना एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में, एक 11 से 12 हफ्तों में ही स्टॉक ने एक इतना अच्छा रैली दिया है नियर अबाउट 100%। ओके, और इतना देने के बाद भी यही एक लेवल सस्टेन कर रहा है ये स्टॉक, तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है और एक हायर टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक इंडिकेशन नंबर वन विच वी आर गोइंग टू लुक आउट इज द डबल सपोर्ट द स्टॉक इज गिवन हियर। ओके, तो एक दो बार सपोर्ट इसी लेवल के आसपास लिया है, 200 के वैल्यू को एक टेस्ट करने की कोशिश की, बट एक इसी लेवल को टेस्ट करते ही रिवर्सल दिया है, इन पॉजिटिव लेवल ही क्लोजिंग दी है। ओके, इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो डेफिनेटली एक डबल बॉटम यहाँ पे स्टॉक ने जरूर बनाया एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन है एक इसी एक इतना रिटर्न एक वन साइड रैली देने के बाद भी यही एक लेवल सस्टेन कर रहा है, तो एक अच्छी रैली स्टॉक एक हायर लेवल के लिए एक स्पाइक जरूर दे सकता है अच्छे टारगेट के लिए। ओके, एंड द नंबर टू रीजन विच वी कैन लुक इज द कैंडल फॉर्मेशन। एक जो स्टॉक ने एक जो कैंडल फॉर्मेशन बनाया, डेफिनेटली वी कैन सी कि एक ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग दी है। इफ यू लुक आउट द टोटल रैली द स्टॉक इज गिवन फॉर द होल वीक, आप देख सकते हैं 228 के आसपास ओपनिंग दी थी स्टॉक ने, 201 के आसपास करीबन करीब एक आप देख सकते हैं 27 से 28 पॉइंट की एक डाउनवर्ड रैली स्टॉक ने दी और फिर उसके बाद उतनी ही रिकवरी स्टॉक ने दी, एक हायर वैल्यू जरूर बनाया 233 के आसपास, एक ओपनिंग के नीचे ही 2 पॉइंट नीचे ही एक क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, तो ये एक अच्छा कमबैक स्टॉक ने दिया है सॉरी इसी हफ्ते में। एंड दैट इंडिकेशन जो है कैंडल फॉर्मेशन बनाया है दैट इंडिकेट्स कि एक बायर्स ने बहुत ही अच्छी कमबैक रैली स्टॉक में दी है और एक अच्छा हमें एक टारगेट हमें एक वन साइड रैली एक शार्प रैली जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 226, तो हम एक एक्सपेक्ट करने वाले हैं राउंड ऑफ टारगेट एट द वैल्यू ऑफ 300, 300 का एक आप जरूर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 32-33% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 32-33% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 225 फॉर द टारगेट ऑफ 300। ओके, सो की बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जो रिसेंटली हमने एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट किया था या फिर एक डिस्कस किया था, यही एक जोन हम एक्सपेक्ट करने वाले एज अ गुड सपोर्ट जोन एट द वैल्यू ऑफ 200। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एक 200 विल बी अ गुड सपोर्ट जोन और यू कैन से अ गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 300। ओके, सो की बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है फेडरल बैंक लिमिटेड। स्क्रीन पर आप देख सकते हो इसी हफ्ते में स्टॉक ने एक 11 से 12% की एक रैली दी है, एक अच्छा एक मोमेंटम स्टॉक ने बनाया है। एंड एज वी कैन सी हियर कि एक प्रीवियसली भी एक पूरे 2022 से आप देख सकते हो एक अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड करा है। इन द ईयर 2023 द स्टॉक इज नॉट गिविंग गुड परफॉर्मेंस, बट एक 2022 के वक्त आप देख सकते हो वन साइड रैली दी, एक 23 के वक्त आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में जो स्टॉक चला गया बट एक पॉजिटिव लेवल में ही ब्रेकआउट लिया है, एक मल्टीपल टाइम्स एक सपोर्ट लेवल के आसपास टेस्ट करते एक रिवर्सल दिया है। नाउ व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड, ऑलरेडी स्टॉक ने 12% की रैली इस हफ्ते में दी है, तो व्हाट वी कैन इंडिकेट इनटू इट्स व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड, क्या एक मोमेंटम हो सकता है, क्या इंडिकेशन हमें मिल रहा है, लेट्स वॉच इट आउट। द रीजन नंबर वन विच वी कैन लुक आउट इज कि एक जो एक साइडवेज में स्टॉक चले आ रहा था, एक आप देख सकते हो इसी साइडवेज में स्टॉक ट्रेड करा है मार्क जोनियर। ओके, तो ये एक आप देख सकते हो यही एक साइडवेज। ओके, तो इसी साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में था एंड एज वी कैन सी कि इसी हफ्ते में ये एक हाईएस्ट वैल्यू है, इसी को ब्रेक करते हुए इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन है, एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है एंड दैट इंडिकेट्स कि एक जो साइडवेज में स्टॉक चले आ रहा था एक पॉजिटिव लेवल में ही एक ब्रेकआउट दिया है, एक पॉजिटिव टारगेट ही हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। ओके, एंड दिस इज द नंबर वन रीजन। ओके, द सेकंड नंबर रीजन विच वी आर गोइंग टू लुक एट आउट, एक पिछले 4 हफ्तों से इंक्लूडिंग दिस वीक इटसेल्फ आप देख सकते हो कि एक लोअर शैडो जो स्टॉक ने बनाया इट इज ऑन द हायर लो। ओके, एक हायर लो जरूर बनाते आ रहा है, तो ये एक इंडिकेशन ऑलरेडी दिया था कि एक जो कंसोलिडेशन है वो उसी के आसपास ट्रेड करेगा बट उसी को ब्रेकआउट करके किसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, तो एक अच्छा कंफर्मेशन है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रैली इनटू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो ये दो इंडिकेशंस की वजह से स्टॉक एक अपवर्ड रैली में ट्रेड करेगा, दिस इज दी दिस आर द टू पॉजिटिव रीजन सॉरी कैन से टू टेक्निकल फॉर्म्स। ओके, तो द स्टॉक अभी ये ट्रेड कर रहा है 165 के आसपास, 165 के वैल्यू के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इंडिकेट द स्टॉक टू गो टू एंड अपवर्ड रैली, तो 220 का आप एक इवन पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट एक्सपेक्ट करने वाले हैं, स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इस नियर द टारगेट ऑफ 220। ओके, तो ये एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। ओके, एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 33-34% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 33-34% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 165 फॉर द टारगेट ऑफ 220। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक 140 का लेवल आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके,
और इसी लेवल को मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने टेस्ट किया है। इन अ पॉजिटिव यू कैन लुक आउट हियर कि एक इसी लेवल को रेजिस्टेंस जरूर स्टॉक ने बनाया था प्रीवियसली, बट इसी के आसपास ही मोमेंटम रिगेन किया, इसी को भी ब्रेकआउट लिया, दो से तीन तीन से चार बार यहाँ पे एक सपोर्ट जरूर लिया और ये कंफर्मेशन लिया और ये जो कंसोलिडेशन जोन एक सपोर्ट के ऊपर बनाया था इसी को ब्रेकआउट लेके एक अच्छा मोमेंटम इसी हफ्ते में स्टॉक ने दिया है। तो एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 140 विल बी अ गुड सपोर्ट जोन और कैसे गुड स्टॉप लॉस इफ यू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 220। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस ये हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2 जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। प्रीवियसली भी ये स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है और कंटिन्यूस रैली एक 2023 में बहुत ही अच्छे रैली स्टॉक ने दी है। स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द लोएस्ट वैल्यू एज यू कैन सी हियर कि एक लोएस्ट वैल्यू थी स्टॉक की ₹5.80 के आसपास नियर अबाउट 6 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करा था एंड एज वी कैन सी हियर फ्रॉम 5 रुपीज टू एक 15 to 16 रुपीज मतलब एक 2 to 3 times एक रैली स्टॉक ने दी है सिर्फ और सिर्फ एक साल में। तो एक 200 to 300% आपका एक टोटल मोमेंटम स्टॉक ने बनाया, मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी अगर होती एक 5 से 6 रुपए के आसपास ऑब्वियसली आपकी एक नियर टू 3 lakhs वुड बी द वैल्यू। ओके, तो एक इतना अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक ने दिया है। एक फॉर्मेशन अगर इस स्टॉक की अगर आप देखेंगे तो जरूर यहाँ पे एक वन साइड रैली शार्प रैली जरूर दे रहा था स्टॉक, बट आप देख सकते हैं साइडवेज में जरूर स्टॉक जाके एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में लगे रहा था, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट ही दिया। जब भी एक स्टॉक एक साइडवेज चल लगा है एक पॉजिटिव रैली दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूस एक अपर रैली देने के बाद जरूर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वन साइड एक 4 हफ्तों के लिए जरूर एक सेलिंग प्रेशर में दिखाई दे रहा था स्टॉक, बट फिर से एक जो रिवर्सल इस जोन से स्टॉक ने लिया था डेफिनेटली इट हैज गिवन अ गुड रिवर्सल। तो टेक्निकली 2 रीजन हम जस्टिफाई करने वाले हैं कि वाई दिस स्टॉक वी आर इंडिकेटिंग इनटू एन अपर ट्रेंड। ओके, एक अपर ट्रेंड में जाएगा या फिर एक बाइंग क्यों इंडिकेट करे इस स्टॉक में। द रीजन नंबर 1 व्हिच वी कैन लुक आउट इज द स्टॉक इज गिवन अ डबल हैज गिवन अ रिवर्सल फ्रॉम इट्स सपोर्ट जोन फॉर 2 times एक 2 बार के लिए ये स्टॉक आप देख सकते हो कि एक दोनों वक्त यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर्सल लिया है इसी सपोर्ट जोन से। तो ये एक इंडिकेशन है कि एक डबल बॉटम जरूर स्टॉक ने बनाया एंड दैट इंडिकेट्स द स्टॉक फॉर इट्स बुलिश वैल्यू। ओके, तो रीजन नंबर 2 विच वी कैन लुक आउट इज द कैंडल फॉर्मेशन द स्टॉक इज गिवन इन दिस वीक। पिछले हफ्ते में आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव रैली के साथ एक 10% के साथ एक जरूर क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने, बट इस हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव प्रेशर में जरूर स्टॉक चला गया था, एक ₹14.10 के आसपास एक क्लोजिंग दी थी, बट वी कैन सी हियर अगेन द स्टॉक हैज गिवन अ गुड रैली ₹16.60 के आसपास एक हायर रैली करके दिन स्टॉक ने बनाया डेफिनेटली गिव अ क्लोजिंग एट द वैल्यू ऑफ ₹15.90। एक जो ओपनिंग इस हफ्ते की थी इसी के ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है एंड दैट इज अ वेरी गुड मोमेंटम। एक बायर्स जरूर इंडिकेट कर रहे हैं वी आर बायर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि दे आर इनटू द रैली। ओके, एक पॉजिटिव रैली में है एंड एक पॉजिटिव मोमेंटम ही देने वाले हैं। नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ ₹15.90। तो हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने के लिए द स्टॉक विल ट्रेड टू इट्स गुड वैल्यू ऑफ ₹24। ₹24 का एक अच्छा एक नियरेस्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक अच्छी रैली स्टॉक ने दी थी बहुत सालों पहले, एक 2017-18 के वक्त ये एक इस वैल्यू के आसपास स्टॉक ट्रेड करा था एंड एज वी कैन सी हियर कि 6 से 7 साल बाद फिर से अभी ये इस वैल्यू के आसपास आ रहा है। दैट इज द रीजन आप देख सकते हो कि पिछले साल कंटिन्यूस अपर रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड एज वी कैन सी हियर कि लॉन्ग मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक में एक अच्छी रैली है। तो ये एक 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन के लिए 24 का टारगेट हम जरूर एक्सपेक्ट करने वाले हैं। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 50 to 51% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 50 to 51% एट द बाइंग प्राइस ऑफ ₹15.90 फॉर द टारगेट ऑफ ₹24। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए एक जो सपोर्ट जोन यहाँ पे स्टॉक ने बनाया है एट द वैल्यू ऑफ ₹12.70, तो एक जो एक मार्क हम करके दे रहा है तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो एक कंटिन्यूस रैली में जरूर पिछले साल स्टॉक था पर एक इसी लेवल को ही सस्टेन किया था इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। इस लेवल को ब्रेकआउट करते ही इस सपोर्ट को ₹12.70 के एक सपोर्ट को ब्रेकआउट पॉजिटिव लेवल से ही करते ही आप देख सकते हो इसका सपोर्ट लेके जरूर रिवर्सल दिया है पर इसके नीचे ट्रेड नहीं किया है। तो एक अच्छा वैल्यू है ₹12.70 के आसपास एंड एक स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ ₹20.70 एज अ गुड स्टॉप लॉस और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ ₹24। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2। एज वी कैन सी हियर कि एक स्टील सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एज आई वाज एनालाइजिंग द स्टॉक्स विच वर गिविंग अ गुड रिटर्न्स मोमेंटम्स मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स हैड बीन हैविंग अ गुड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इनटू द स्टील सेक्टर। एक स्टील सेक्टर में अच्छा कंट्रीब्यूशन है एंड व्हेनेवर देयर इज अ मोमेंटम इन द स्टील सेक्टर द मार्केट इज इन ट्रेंड करेक्शन। एज वी कैन सी कि मार्केट हमेशा करेक्शन में रहता है दैट इज द रीजन व्हाई द कमोडिटीज गो इन ट्रेंड बाइंग। तो क्या एक इंडिकेशन है कि एक आफ्टर द इलेक्शन इंडेक्सेस और यू कैन से द मार्केट माइट गो इन टू एन करेक्शन जोन। एक 18 से 19 हजार का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगले 2 से 3 महीने के बाद या फिर 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में क्या निफ्टी एक 19,000 का लेवल सस्टेन कर पाएगा या फिर उसको ब्रेक करते हुए एक उसी के ही नीचे सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करेगा। व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है आपकी राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।